धरती पुत्र की सियासत का किस्सा, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से राजनीति को सर्वोच्च आगे बढ़ाया। मुलायम सिंह ने बदली थी सियासत की दिशा, स्वर्ण सोच वाली सियासत को पिछड़ों की ताकत का एहसास कराया। पीएम नहीं बनने का रहा मलाल, दो नेता जो अब अखिलेश के साथ हैं, जिन्होंने कभी नहीं दिया साथ, मुलायम से नहीं मिलाया था हाथ। पूर्व रक्षा मंत्री यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सैफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की जयंती पर उनके स्मारक का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सैफई में मुलायम कुनबे के साथ सपा नेता कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देश की सियासत में मुलायम सिंह यादव के कद की बात करें तो उनके सभी दलों के प्रमुख नेताओं से अच्छे संबंध रहे। दलीय सीमा से हटकर मुलायम सिंह यादव ने कई बार लोगों की मदद भी की, इसीलिए उनकी जयंती पर आज देश भर से लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आम लोगों के बीच नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव अखाड़े के पहलवान थे। उनके पिता सुघर सिंह यादव की ख्वाहिश थी कि वो हिंद केसरी का खिताब जीते, लेकिन कुश्ती के माहिर मुलायम सिंह यादव शिक्षक बन गए। उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और बीटीसी की। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हो गए। कुछ दिनों तक मैनपुरी के करहल में मौजूद जैन इंटर कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने के बाद नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वो दंगल के दांव पेचों के साथ ही सियासत में भी माहिर खिलाड़ी हो गए। यूपी के सीएम की तीन बार कुर्सी संभालने वाले मुलायम सिंह यादव की ख्वाहिश थी कि वो एक दिन पीएम बने। वो पीएम पद के करीब तक पहुंच भी गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद पवार ने पेच फंसा दिया। इस कारण मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वो पीएम बनने के लिए लालू प्रसाद यादव को समधी भी बनाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव नहीं माने। उन्होंने डिंपल यादव से शादी कर ली। बाद में अखिलेश यादव ने अपने भतीजे की शादी लालू प्रसाद यादव की बेटी से कराई। तब तक नेताजी की उम्र ज्यादा हो गई, वो सक्रिय सियासत से दूर हो चुके थे। नेताजी को पार्टी के साथ ही विपक्षी पार्टी के नेता भी प्रधानमंत्री पद पर देखने की बात कहते थे। इससे नेताजी के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अक्सर मंच से भी नेताजी को पीएम बनाने के नारे लगवाए जाते थे। वो यूपी के पहले ओबीसी सीएम थे। इसके बाद अन्य सियासी पार्टियों को यूपी में जातिगत समीकरण बदलने पड़े थे। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर के जनता दल का दामन थाम लिया। वो कांग्रेस की मदद से मुख्यमंत्री बने रहे। अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। 1993 में गठबंधन से सरकार बनाई। सपा और बसपा ने 1993 का विधानसभा चुनाव लड़ा। दोनों को जनता ने बहुमत दिया। मुलायम सिंह यादव दूसरी बार सीएम बने, लेकिन सरकार चलने के दौरान टकराव होने लगा। 2 जून 1995 को बसपा ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इससे सरकार अल्पमत में आ गई। अंतिम बार मुलायम 29 अगस्त 2003 से 2007 तक यूपी के सीएम रहे। 2012 में फिर यूपी की सियासत में सपा ने जब पूर्ण बहुमत पाई तो मुलायम ने अपनी विरासत अपने बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंप दी। उन्हें यूपी का मुख्यमंत्री बनाया।